बच्चों, हमारा कैपेसिटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने जो है आपका जो फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट को थोरोली क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, जो फॉर्मूला चार्ट था हमारा, उसमें डू योर सेल्फ के हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब हम आते हैं 13 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, है ना? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल भी सॉल्व करने की इच्छा नहीं है मेरे को, है ना? सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है, कैपेसिटर को दो पार्ट्स में बांटा है, A1 A2 में, कि एक कैपेसिटर था उसके दो हिस्से कर दिए। देखो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एयर कोर्ड कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी। अच्छा जी, ऑफ कैपेसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकेंड पार्ट है ना, उसमें इन्होंने इसका A2 किया है और इसको A1 कहा है। तो बेटा एक बात देखो आप, कि ये A1 A2 है, तो A बराबर है A1 प्लस A2। ये बात है, A बराबर A1 प्लस A2। अब इन्होंने इसमें जो है ना, K1 और K2 अलग अलग मीडियम भर दिए हैं। इसमें K1 मीडियम भरा है, मैं थोड़ा अलग कलर से भर देता हूँ क्योंकि हमारे पास कलर वाली सुविधा है, तो ये हमने ब्लैक कलर का एक मीडियम भर दिया, राइट? और इधर की टाइप जो है ना, हम डिफरेंट कलर का मीडियम भर देते हैं, ये लो हमने ऑरेंज कलर का मीडियम भर दिया, राइट? ये हुआ। अब इसका हमें कैपेसिटेंस चाहिए। तो देखो बड़ा सिंपल है कि आप इस कैपेसिटर को दो हिस्सों में बराबर बराबर काट लीजिए और फिर वापस उनको जोड़ दीजिए। तो देखो, एक हिस्सा काटा, एक A1 वाला एरिया काटा, एक A2 वाला एरिया काटा, और दोनों को आपस में फिर जोड़ भी दीजिए, जिससे कि अब देखो यहाँ पे हम एक ऐसे लेयर लगा सकते हैं जोड़ने के लिए। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट हो गए, दोनों कैपेसिटर सच में पैरेलल कनेक्ट हो गए, पैरेलल कनेक्ट हो गए। जब ये पैरेलल कनेक्ट हो गए तो अब देखिए सी फाइनल क्या आएगा, सी फाइनल आएगा C1 प्लस C2, पैरेलल में सिंपल सिंपल आएगा। तो पैरेलल में देखिए एप्सिलॉन नॉट A1 K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A1 K1 एप्सिलॉन नॉट A1 K1 अपॉन क्या आएगा, वो आएगा ना D, यस करेक्ट, प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 K2 अपॉन D। कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लीजिए, अपॉन D को कॉमन ले लीजिए, एक मिनट जरा इसको मैं साइलेंट मोड पर कर दूंगा। A1 K1 प्लस A2 K2, राइट? तो ये आपके पास में आ गया, देखना जरा इसका। अच्छा, अब हमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही दे रखा है आंसर। अच्छा, कभी कभी पता है क्या करते हैं, ये आंसर सी के टर्म में मांग लेते हैं कि जो एक्चुअल ओरिजिनल कैपेसिटर है उसके टर्म में आंसर। यहां तो नहीं मांगा है, यहां तो इन्होंने जो है ना सी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दे दिया। कभी कभी पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सी फाइनल आप बताइए, इनिशियल सी वो बता देते हैं। इनिशियल सी वो क्या बता देते हैं, इनिशियल सी वो बता देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए इज दी टोटल एरिया। अब आपको जो है ना वो बताना पड़ता है फिर फाइनल वाला, तो इसी टर्म में फिर आपको मांगते हैं, फिर वो एप्सिलॉन नॉट डी को यहां पे आपको वैल्यू पुट कर देनी और कुछ नहीं करना। क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी अपॉन ए आ जाएगा, बस इतना सा आ जाएगा, है ना? लेकिन आपके यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जो सामने फ्रंट पर क्वेश्चन है उसका, तो ये ठीक है, राइट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आप, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, ये बहुत
बहुत ही जोरदार और काफी सारे कंसेप्ट एक साथ समेटे हुए क्वेश्चन है। और ये समझ लो कि इस का जो है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये काफी सारी एक साथ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए 14th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, एन एयर कोल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। तो बैटरी से कनेक्ट करके पहले तो चार्ज कर दिया, नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट सो एज दैट कंप्लीटली फिल, कंपेयर इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस। देखिए सबसे पहली बात तो कि आपने एक कैपेसिटर था उसको चार्ज कर दिया किसी बैटरी से और बैटरी हटा दी, इसका मतलब अब इस पर चार्ज आ गया और जो चार्ज आया है इस पर वो आया है क्यू बराबर प्लस सीवी, जो भी है मतलब सीवी चार्ज आ गया, करेक्ट। बैटरी हमने हटा दी है, अब इस पर जो चार्ज रहेगा वो यही रहेगा जब तक बैटरी लगाई नहीं जाएगी वापस। हाँ जी, एब्सेंस ऑफ द बैटरी में चार्ज नहीं बदल सकता क्योंकि बैटरी चार्ज का सोर्स है। बैटरी क्या दोनों काम कर सकती है, चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है। एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है। एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है कि ये अपने आप पता नहीं कैसे ऑफ हो जाता है, फिर वो माइक में आवाज नहीं आती। ऐसा हमारा आज जो है मतलब दो बार हो चुका, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं वीडियो के अंदर, है ना। ये देखिए क्यू बराबर सीवी, तो अब आपके पास में ये चीज आ गई ना। अब इसमें पता है क्या है, चार्ज आपका किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा, बाकी सब चीजें बदल सकती हैं, सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। अब ये कह रहे हैं नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस का आपका रेशियो चाहिए। देखिए इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, फाइनल कैपेसिटेंस आएगा सी फाइनल, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन बी। अब आप ऐसा करें इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास में इनिशियल टू फाइनल आएगा, है ना, इनिशियल टू फाइनल आएगा बेटा, और ये आएगा वन अपॉन के। इनिशियल कैपेसिटेंस टू फाइनल कैपेसिटेंस का रेशियो वन अपॉन के आएगा। अच्छा, इन्होंने फाइनल अपॉन इनिशियल आंसर दे रखा है, फाइनल अपॉन इनिशियल आंसर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी दिया है तो फिर ये के आ जाएगा, करेक्ट। नंबर टू, नंबर टू इनिशियल एंड फाइनल चार्ज तो बदलेगा ही नहीं, इसलिए वो तो वन आना है रेशियो, क्योंकि बैटरी हटा दी है, ये तो आपका वन आना है, करेक्ट। 14 में नेक्स्ट V फाइनल अपॉन वी आई, हाँ ये है इंपॉर्टेंट चीज कि नया पोटेंशियल क्या आएगा। तो देखिए न्यू पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल विल बी क्यू अपॉन सी। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सी बिकॉज योर चार्ज इज फिक्स, चार्ज इज फिक्स, तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सी। जब पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सी है तो मैं कहूंगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इक्वल टू सी इनिशियल अपॉन सी फाइनल। अब सी इनिशियल अपॉन सी फाइनल तो वन अपॉन के है, तो ये वन अपॉन के आ जाएगा, वी फाइनल आ जाएगा, करेक्ट। चलिए वी फाइनल के बाद इनिशियल एंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो बेटा एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला है। क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है ई बराबर वी अपॉन डी, ई बराबर वी अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ई बराबर वी अपॉन डी एक फॉर्मूला है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, एक है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हमें इन दोनों में से एक फॉर्मूले को चुनना है कि कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। देखो वी आपका चेंज हो रहा है, V क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल 1 बाई के है। बेटा जब वोल्टेज चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट नहीं है वोल्टेज, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कब कब आप कौन कौन सा फॉर्मूला चेंज काम में लेंगे, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को काम में नहीं ले सकते बिकॉज V इज चेंजिंग। कॉन्स्टेंट होता तो हम ले लेते काम में, यहां सिग्मा है चार्ज, चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन ए है, क्यू आपका बदल नहीं रहा, क्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि बैटरी हटा दिया है आपने, एरिया आपका बदल नहीं रहा यानी सिग्मा आपका फिक्स है। अब आप इस वाले फॉर्मूले को काम में ले लो चुपचाप। तो देखो ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल बराबर ये आएगा एप्सिलॉन आर इनिशियल अपॉन एप्सिलॉन आर फाइनल, एप्सिलॉन आर फाइनल, तो ये वन अपॉन के आएगा। चेक करना जरा, ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल वन अपॉन के, बिल्कुल। अब देखिए इसी के अंदर सिक्स कर देते हैं, U final upon U initial। बेटा देखो
यू बराबर होता था क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इसका मतलब यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी। जब यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी है तो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल इट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब सी वन अपॉन सी टू का रेशियो क्या है? इनिशियल टू फाइनल वन अपॉन के है, इनिशियल टू फाइनल वन अपॉन के है। ये आपका एक सवाल हो गया पूरा का पूरा। चलिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मैं एक अलग तरह की हालत पैदा करता हूं। अगर बैटरी लगी रहने देते और फिर इंसर्ट करते तो क्या होता? तो देखिए ये तो आपका जो है ना, आपको जो सवाल दे रखा है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं विथ बैटरी प्रेजेंट, है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 विथ बैटरी प्रेजेंट, क्योंकि कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाना चाहिए ना। विथ बैटरी प्रेजेंट तो इस सवाल के आंसर क्या होंगे वो देखो। कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, बस बैटरी प्रेजेंट है। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं। वहां पर क्या था? वहां पर बैटरी हटा दी गई थी। बैटरी हटा देने से क्यों फिक्स हो गया था? अब हम बैटरी जिंदा रखेंगे, अब हम बैटरी को जिंदा रखेंगे। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैं इसके अक्रॉस बैटरी लगा दे रहा हूं और बैटरी को जिंदा रख रहा हूं, हटाऊंगा नहीं। अब इसमें मैं मटेरियल भर रहा हूं, फुल भर दिया जी। तो मटेरियल भरने से पहले और मटेरियल भरने के बाद का क्या हाल है? तो देखिए सबसे पहले तो सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल, ये तो कभी बदलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो आपके उस पर डिपेंड करेगा ना भाई। सी का फॉर्मूला तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, करेक्ट। तो सी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एप्सिलॉन आर, ये तो फिक्स है। तो सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल क्या आएगा? सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल के आ जाएगा, किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने फाइनल के दे रखा है। तो ये फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल नहीं बदलेगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब चलते हैं अपन सेकेंड आंसर पर, क्यू फाइनल अपॉन क्यू इनिशियल। देखिए ये बदलेगा, क्योंकि क्यू बराबर क्या आएगा? सी वी, क्यू बराबर सी वी आएगा। अच्छा वी कॉन्स्टेंट है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, वी कैन नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी, वी इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज। एब्सेंस ऑफ बैटरी क्यू इज फिक्स्ड, हाँ बस आप ये चीज ध्यान रख लो कि बैटरी लगी है तो वी कैन नॉट चेंज, चार्ज तो चेंज होगा क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, तो सोर्स ऑफ चार्ज है तो भैया चार्ज का लेना देना करेगा, राइट। वोल्टेज फिक्स रखेगा, वोल्टेज कभी नहीं बदलने देगा, तो आपका चार्ज बदल जाएगा क्योंकि वोल्टेज फिक्स है। तो अब आप लिखेंगे क्यू प्रोपोर्शनल टू सी, जब क्यू प्रोपोर्शनल टू सी लिखेंगे तो क्या होगा? क्यू वन अपॉन क्यू टू, क्यू फाइनल अपॉन क्यू इनिशियल लेना चाहते हैं ना, फाइनल अपॉन इनिशियल लो, चलो जी। तो C2 अपॉन C1 आ जाएगा, मतलब बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो K आ जाएगा। ये आंसर भी आपका K आएगा, सेकंड वाला भी, ठीक है। अब चलिए अपन आते हैं V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये बना जाएगा क्योंकि वोल्टेज बदलना ही नहीं है, वोल्टेज बदलना ही नहीं है, ये बना गया V फाइनल अपॉन V इनिशियल वन आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट E फाइनल अपॉन E इनिशियल, हाँ अब ये देखिए, अब E की बात देखो। अब फिर E के बारे में दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, विच आई विल यूज, आपको फैसला करना है। E इक्वल टू वी अपॉन डी, ये दो में से एक फॉर्मूला यूज में लेना है, तो विच शुड बी यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? ये काम में नहीं आ सकता क्योंकि सिग्मा जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, क्यू इज नॉट कॉन्स्टेंट, क्यू फाइनल अपॉन क्यू इनिशियल का रेशियो वन नहीं है, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको काम में नहीं ले सकते, इसको काम में लेंगे। अब देखिए E बराबर वी अपॉन डी है, वी अपॉन डी, ध्यान दीजिए V आपका फिक्स है, V इज नॉट चेंजिंग बिकॉज बैटरी इज देयर, बैटरी V को बदलने ही नहीं देगी किसी भी तरह से, D फिक्स है इसलिए E आपका फिक्स हो गया, E आपका फिक्स हो गया, तो E फाइनल अपॉन E इनिशियल आपका वन आएगा। बहुत ही मतलब ये दोनों सवाल जो है ना आप एक साथ नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, E फाइनल अपॉन E इनिशियल वन आएगा। अब U फाइनल अपॉन U इनिशियल ये भी करेंगे हम, तो देखिए U फाइनल, U के लिए आप ध्यान दीजिए, U के लिए हम क्या कर रहे हैं, U के मामले में एक मिनट जरा, यस प्लीज, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब आप देखिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो रहा है। अभी इसी सवाल को जब हमने पिछली बार किया था तो मैंने U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी काम में लिया,
क्योंकि वहां क्यू कॉन्स्टेंट था, जो कॉन्स्टेंट है वो वाला काम मिलेंगे, तो यू प्रोपोर्शनल टू सी आएगा बेटा, तो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल इक्वल टू के आ जाएगा। आप देखिए आंसर बदल कैसे रहे हैं 14th का, ठीक है। चलिए अब आप 14th से आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करें कि ये क्या है। एक्चुअल में इसको सिमेट्रिक सर्किट के कंसेप्ट से करेंगे। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी हमारी लाइफ के अंदर भी और नेचर के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ड है सिमेट्रिसिटी। और मैं आपको बताऊं कि नेचर में सिमेट्रिसिटी का बहुत ज्यादा महत्व है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैं कहता हूं कहीं भी सिमेट्रिसिटी का महत्व है। इसमें एक सर्किट जो है ना काफी सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक कैसा है वो देखो आप, कि इसके अंदर जो है अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं तो एक बीच के अंदर जो है ना कनेक्शन है जो ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि वो क्रॉस जो लगा हुआ है वो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है ना। अच्छा एक मैं आपको और बात बता दूं, इसका आंसर जो दिया हुआ है ना वो शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसका आंसर गलत है। अब वो अभी अपग्रेड करते हैं फिर देखते हैं क्या है, है ना। मैं इस सवाल का डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखना, ए से लेकर बी तक चलेंगे हम और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप चेक करना कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। ए से बी तक चेक करना, मेरा डायग्राम लिटिल जो है ना डिफरेंट आएगा। देखिए हम एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे पी है ना, इन्होंने पी कहा है, पी कहा है, फिर इसके ऊपर इन्होंने एक कैपेसिटर लगाया है ऐसे, ठीक है ना बेटा, ऐसे लगाया है। फिर यहां से इन्होंने दो कैपेसिटर लगाए हैं, सब सी सी है, एवरी कैपेसिटर इज सी 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 सी। अच्छा यहां भी है ना, एक मिनट जरा, ओहो यहां पे एक कैपेसिटर लगाना है ना, यस देखो ये सी, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान दीजिए कि इन्होंने यहां पर दो कैपेसिटर लगाए राइट, और इन्होंने यहां इस तरह से एक कैपेसिटर इस तरह से लगाया है। आप ध्यान दीजिए, चेक करिए। अब पता है मैंने क्या किया है, मैंने ये कनेक्शन किया नहीं है जबकि इसमें है डायग्राम, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में मैंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया मैंने, क्या मुझे अधिकार है इस तरह से करने का, क्यों अधिकार है मुझे इस तरह से करने का, वाई? देखिए मैं बताता हूं, रीजन बड़ा सिंपल सा है, बाकी नीचे वाला सिमेट्रिक है तो कोई खास बात नहीं है, हम केवल एक साइड का बना लेते हैं, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम आगे देख लेंगे जो भी है। आप देखिए अगर यहां से कोई चार्ज एंट्री कर रहा है, मान लो हम यहां पर कोई सेल लगा देते हैं, कहीं से ले आते हैं, कोई सेल लगा दिया जी यहां पे, अब सेल लगा दिया तो चार्ज एंट्री करेगा, तो देखिए एंट्री पॉइंट पर क्या होगा, बाद में क्या होगा। अगर यहां पर चार्ज एंट्री करता है तो कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा राइट। अब मैं आपको इसी पॉइंट पर बात करना चाहता हूं कि ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, तो बेटे अगर यहां पर चार्ज Q1 आया है और यहां पर Q2 आया है तो यहां पर वापस क्यू को निकलना पड़ेगा। मान लो यहां से चार्ज ने एंट्री क्यू मारी, यहां से चार्ज ने एंट्री क्यू की, सेल के कारण चार्ज एंटर हुआ तो चार्ज ने क्यू की एंट्री करी, क्यू की एंट्री करी, यहां पर Q1 आया, यहां पर Q2 आया। अब जब Q1 और Q2 यहां आया है तो इसका मतलब यहां से भी वापस उसको आना पड़ेगा, यहां से भी वापस उसको आना पड़ेगा पक्का, जितना गया उतना आएगा आएगा। तो अब यहां पर Q1 की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो सिमिलर फैशन में इधर भी वही चीज होगी कि Q1 और Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां एंट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहां एग्जिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों होंगे लेकिन बराबर। अब जब आपके पास Q1 Q2 आ रहा है तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि यहां पर Q1 आया था और यहां से Q1 को जाना पड़ेगा, Q1 आया था, Q1 को जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ
कि ये जो पॉइंट उन्होंने कनेक्ट कर रखा था, इस पॉइंट का फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस पॉइंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उस कनेक्शन का कोई महत्व नहीं है। कनेक्शन महत्वपूर्ण तब होता है जब उसका फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डिस्ट्रीब्यूशन में महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए बेकार है। इसको कनेक्ट करके रखने से ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है सर्किट के अंदर, ये अनावश्यक सर्किट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और जबकि कुछ हो नहीं रहा। हम उसको जिंदा रखते कनेक्शन को, अगर Q1 Q2 में कुछ डिफरेंस आ जाता कि भाई इधर Q1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ चार्ज अलग हो जाएगा, तो लेकिन चार्ज अलग नहीं हो रहा, उसको होना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? कारण बड़ा सिंपल सा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल है, जितना चार्ज यहां से एंटर कर रहा है उतना चार्ज वहां से निकलना चाहिए, करेक्ट। इधर हमने डिवाइड किया Q1 Q2, तो उधर हम डिफरेंट डिवीजन नहीं कर सकते, सेम डिवीजन होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कंप्लीट है सर्किट के अंदर, अलग अलग क्यों जाएगा, है ना। अब यहां पे Q1 है तो यहां पे Q1 आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, यहां से ये निकलेगा। अब चलिए आगे, आप जब इस तरह से हो रहा है तो ये सी है और ये सी है और ये सी है और ये सी है, ये सी है और ये सी है, करेक्ट, ओके। अब देखो आप, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, दिस सी एंड सी, मैं अलग कलर से कर रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं, ये रहा, दिस सी एंड दिस सी आर इन सीरीज, तो सी बाई टू हो गया, दिस सी एंड दिस सी आर इन सीरीज तो सी बाई टू हो गया, ठीक है। ये सी बाई टू एंड ये सी बाई टू और बोथ आर इन पैरेलल, तो भैया सी बाई टू एंड सी बाई टू पैरेलल में मिलके सी हो जाएंगे, पैरेलल में मिलके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, यानी कि ये सारा कंप्लीट मिल करके सी हो गया, दिस एंटायर थिंग इज सी, राइट। अब सी एंड सी सी बाई टू, सी एंड सी सी बाई टू, तो ये सी एंड सी सी बाई टू हो गया। अब जब ये सी बाई टू हो गया ना, तो देखो क्या हुआ, मैं यहां डायग्राम बना, ए से स्टार्ट करूंगा, लास्ट में बी तक आना है, मुझे बी तक आना है, तो एक मिनट, ये सी एंड सी पैरेलल में है ना भैया, ओहो सॉरी सॉरी, सी एंड सी पैरेलल में है तो टू सी बनेगा, सी एंड सी पैरेलल में है तो टू सी बनेगा जी, टू सी बनेगा, ये सारा टू सी हो गया, एंटायर बकवास इज टू सी एंड दिस इज सी, यहां पर सी है, ये सी है यहां, और यहां पर सी है और यहां पर ये सी बाई टू है, चेक करो, करेक्ट, ये सी सी वहां टू सी हो गया, ये सी है और वो सी है, ये सी बाई टू है। अब इधर देखिए नीचे, नीचे का हाल, नीचे का हाल ये है कि ये सी है, ये टू सी है और ये सी है। अब आप नेट निकाल दीजिए, अब आप नेट, मैंने नीचे वाला जो सामान था ना वो यहां बना दिया, वहां पे नहीं बनाया, वहां पे नहीं बनाया, मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही थी, है ना, नीचे तो पूरा का पूरा वही है ना, तो सेम आ जाएगा। अब आप देखो जरा कि दिस टू सी, दिस सी एंड दिस सी एंड दिस सी बाई टू एंड दिस, ये सब आपको करना है, तो ये सीरीज है पूरा का पूरा, तो एक बार मैं इस सीरीज का निकाल देता हूं, देखो दिस अपर पोर्सन, अपर पोर्सन मैं निकाल रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन सी नेट, 1 अपॉन सी डैश बोल दो इसको, है ना, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2C, सीरीज है ना बेटा, जरा 2C कैलकुलेट करो, 2C, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 आ जाएगा ऊपर, है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो सी डैश है ना, ये 2C बाई 5 आ गया, है ना, ये एक मिनट जरा, 5 है, 0.5 नहीं, वो एक्चुअल पॉइंट लग गया था गलती से, तो आपका सी डैश जो है ना वो आ गया है 2C/5, यानी 0.4C आ गया, 0.4C आ गया। अब देखिए आपका ये जो सर्किट है कन्वर्ट ऐसा हो गया, फाइनली ऐसा बन गया, ये आपका C/2 आ गया, राइट, और ये आपका 0.4C हो गया, और ये आपका 0.4C हो गया। अब आप देखिए दिस 0.4C, दिस 0.4C एंड दिस 0.5,
आपके पास में ये नेट कितना आ गया, नेट आ गया आपके पास 1.3c। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है आंसर में, 1.3c इज द राइट आंसर, करेक्शन कर लीजिए आप, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको हम थोड़ा सा पकड़ते हैं, ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। एक मिनट, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप अच्छी तरह से, क्या बात है, मेरे को गर्मी क्यों लग रही है इतनी है? एक मिनट में थोड़ा सा पंखा चलाऊं, एक मिनट के लिए, एसी चल रहा है लेकिन गर्मी लग रही है बहुत तेज मेरे को। चलिए एनीवे, टू मेटलिक बॉडीज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिस, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन ए बी बिटवीन द प्लेट्स वेरीज एज दिस। ठीक है, चलो एक काम करो, आपको ई की वेरी वेरिएशन दे रखी है ना। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दो बेटा, ई दे रखा है आपको क्या, 3x² + 0.4, ये आपको दे रखा है। तो हम इसको लिखेंगे डीवी अपॉन डीएक्स, तो डीवी इक्वल टू 3x² + 0.4 dx। आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपका डेल्टा भी आ जाएगा पूरा, ये डेल्टा भी आएगा बेटा, या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है ना, तो 3x² को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी 3x³/3 + 0.4x। ठीक है, x की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू आपकी 0.2 दे रखी है ना, 20 सेंटीमीटर दे रखी है ना डायग्राम में देखो, यस, तो 0.2 का क्यूब करो प्लस 0.4 इंटू यहाँ पे 0.2 करो, देखना जरा 0.2 का क्यूब करना, 0.2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 0.008 प्लस ये आएगा 0.08, है ना, इसका मतलब ये आएगा 0.088 वोल्ट आएगा, ये इट इज योर वोल्टेज। अच्छा जी, चार्ज इन्होंने दे रखा है, चार्ज इन्होंने दे रखा है तो कैपेसिटेंस निकाल दो, कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू अपॉन वी, क्यू दे रखा है बेटा 0.88 और वी दे रखा है 0.088, इसका मतलब 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये आ गया करेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर एंड थ्री इज राइट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं नहीं वो तो हो गया ना अपना, फर्स्ट एंड थ्री बोथ आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं चाहता हूं आप एक बार करें अपने आप, 17 आप करें अपने आप, 18 आप अपने आप करें, है ना, 19, 20 ये मैं कराऊंगा, 19, 20, 21 आप अपने आप करें, 19, 20 मैं कराऊंगा, ठीक है, हाँ 19, 20 मैं कराऊंगा, 22 भी मैं कराऊंगा, 23 भी मैं करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका एक वीडियो और आएगा आपके पास, ठीक है, है ना। अभी एक्चुअल में मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, तो मुझे पंखा चलाना पड़ेगा, एसी चलते हुए भी, अब या तो एसी की कूलिंग खत्म हो गई है, चलिए जो भी है देखते हैं, राइट। तो एक वीडियो और आएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है बेटा,